जाएंगे शॉप पे थोड़ा देखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन भी मैं देख रही हूँ। फिर इस चेयर को टाटा बाय बाय बोल देंगे। ब्राउन कलर का है और पेड़ में इस तरह से वो चिपका हुआ था जैसे कि वो उसी का पार्ट है। कि कुछ गिफ्ट्स लेने हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी संडे। तो आज है संडे और संडे सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ना बहुत जल्दी मेरा नींद टूट गया है। जो पोटैटोज हैं वो हमने पील ऑफ किया, बट अल्टीमेटली वो पोटैटोज फ्राइडे को मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि फ्राइडे को इवनिंग में मैं सोची थी बनाऊंगी, बट इवनिंग में आ गए थे मेरे फ्रेंड। कल इवनिंग में मैंने उस बेबी पोटैटो को बना के रखा है फाइनली। तो बहुत दिन से हम संडे को पूरी नहीं खाए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ किचन पे और पूरी का जो मैदा है या आटा है उसको गूंदने के लिए ना आज एक नया तरीका हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे वो जो मोटा वाला ब्लैंकेट है जो कि हमने बहुत दिन पहले से ही यूज करना छोड़ दिया है, ये मोटा वाला ब्लैंकेट, तो इसको आज हम देने जाएंगे ड्राई क्लीन पे। चलिए चलते हैं किचन पे और कुछ भी देखना है आज मार्केट जाके, वो क्या देखना है, क्या हमारे मेरे दिमाग में चल रहा है वो आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद शेयर करती हूँ। तो ये है आटा मेकर मशीन, आज से 8 साल पहले का है, जमशेदपुर से लिया था। और इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये भी खुल जाता है और इसके अंदर ये एक फैन जैसा है जो कि ऐसे घूमता है और आटा है, आटा गूंद जाता है अपने आप। तो पूरी के लिए मैदा गूंदा जा रहा है। मैं चीनी का दाना देते थी था तो बस, अब बाद में भी ऑयल देंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन है बाद में ऑयल, फिर अगर आपको और पानी सब यहाँ से दे सकते हो। लॉक कर देना है ऐसे, हैंडल इसको ऐसे पानी पहले ड्राई घुमा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देना है और इसको घुमाते रहना है। इस होल से आप तेल भी दे सकते हो बाद में। और ना इसमें मेजरिंग कप्स दिए थे 3, एक आटा के लिए, एक पानी के लिए और एक मैदा तेल के लिए। देखिए लगभग हो गया और थोड़ा सा गूंदना है। आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट, मतलब एकदम मस्टिन चाहिए होता है। तो देखिए जैसे हम पूरी के लिए टाइट टाइट गूंदते हैं ना, वैसा ही हो गया है एकदम टाइट टाइट। फुला फुला बन रहा है। ब्रेकफास्ट में बैठ गई है मिष्टू को कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट? और इधर बाबा ही सब लोग खा रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। अंडा जैसा लग रहा है, दूर से लग रहा है एग है, मिनी अंडाज। मशीन मुझे सुबह सुबह लगाना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा ड्राइनेस है और हमारे बालकनी में इतना ज्यादा धूप है कि विद इन 1-1.5 आवर पूरा कपड़ा सूख जाता है, फिर फोल्ड हो जाता है, अपनी जगह पे चला जाता है। आ गई मिष्टू। तो मिष्टू का और 2 days आर लेफ्ट, पिंक 2 दिन बाकी है मिष्टू के फाइनल एग्जाम्स का। उसके बाद तो मिष्टू 15th of March को खत्म हो जाएगा मिष्टू का एग्जाम, फिर मिष्टू करेगी बल्ले बल्ले। हम आज लगभग 2 हफ्ते बाद चिकन खा रहे हैं। लास्ट हम चिकन खाए थे जब अनुज के फ्रेंड आए थे, 2 एंड हाफ वीक्स पहले। उसके बाद फिर चिकन खाना हमने पूरा बंद ही, मतलब खाया ही नहीं, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा गर्मी अचानक से पड़ गई थी। लेकिन क्या है, जो भी हो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं ना उनको जितना भी हम फिश खाए जो भी खाए संडे या तो 10 दिन में एक बार कभी तो मन करता ही है थोड़ा चिकन या मटन ऐसा कुछ खाए। तो आज हम खा रहे हैं चिकन। कुकिंग हो रहा है, बाबा भी कर रहे हैं, मैं भी जाके हिला रही हूँ। चेयर का जो ये है ना बहुत गंदा हो गया, तो मैं वही थोड़ा साफ कर देती हूँ। फोल्डिंग चेयर लाऊंगी, ऐसा चेयर नहीं, क्योंकि फोल्डिंग चेयर आप जब चाहो जब साफ सफाई करो थोड़ा फोल्ड करके आप ऐसे रख भी सकते हो, फिर घर में अंदर कहीं रखना भी ईजी है। ऐसा चेयर होता है तो बहुत मुश्किल होता है। 2 सिंपल सा फोल्डिंग चेयर यहाँ के लिए मैं बनाऊंगी और मिष्टू का तो फोल्डिंग चेयर है ही, तो वही अभी लंच के बाद हम जाएंगे शॉप पे थोड़ा देखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन भी मैं देख रही थी, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ एक बार शॉप में भी, लोकल शॉप फर्नीचर शॉप में भी घूम लेना अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन में ना कपड़ा जूता ये सब ठीक है। फर्नीचर्स ऑनलाइन में मैं उतना पसंद नहीं करते, हमको लगता है कि फर्नीचर शॉप में
देख के हम उसको क्वालिटी कैसा है सब समझ पाएंगे, बट ऑनलाइन वो इजी नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं होता है। फिर उसको मंगवाओ, फिर वो अच्छा ना लगे, फिर उसको भेजो, कपड़ा जूता क्लोथ वो सब ठीक है, बैग उसको एक बार मैंने वो लालन का जो जाली होता है उससे घिस लिया, थोड़ा सा सर्फ डाल के अभी मैं साफ कपड़े से इसको पोंछ लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। तो बर्तन सब काम करते करते बर्तन को अपनी जगहों पे रखना भी बहुत बड़ा काम है, और ऐसे ज़्यादातर संडे पे हम कोशिश करते हैं करेला फ्राई या तो पालक साग या कोई भी साग, मेथी साग हो या कोई भी साग हो, यहाँ पे पालक और मेथी छोड़ के दूसरा साग उतना ज़्यादा अवेलेबल है भी नहीं, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल पे बहुत टाइप का साग मिलता है। श्रीदेवी आ जाएगी काम करने, तो जितने भी बर्तन थे सबको अपनी अपनी जगहों पे कल ही रख दिया था, एक तो थे जो गीले थे वो नहीं घुसाया था, वो सब घुसा दी। अभी के लिए किचन का काम मेरा बस सब्जी बनाने से ही हो जाएगा, फिर गैस से सर्व कर दूंगी। बन रहा है मिष्टू के, क्या बन रहा है बता? स्पेस शटल। तो मिष्टू को बाबा ही थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, मिष्टू का असाइनमेंट है जो क्या हमें सबमिट करना है, पिक सबमिट करना है। फर्स्ट टाइम मिष्टू का कोई एक्टिविटी या प्रोजेक्ट डन बाय और यहाँ पे स्पेस शटल का बॉडी वहाँ पे है, कुछ डिजाइन हो रहा है बॉडी पे, अच्छा इंडिया बन रहा है, और यहाँ पे उसका ऊपर का पार्ट, और नीचे मिष्टू का एक फोटो भी चिपका देना। नहीं उधर में नाम लिखना है ना अद्वित, यहाँ पे इंडिया आ आ, ए बाबा जाने स्पेलिंग आ आ। और हमारा लजीजदार लाल लाल बंगाली स्पेशल चिकन, तो हम लोग लंच पे बैठ गए हैं, यहाँ पे लंच मैंने सर्व कर दिया है और चंगू मंगू खाना खाने बैठ भी गए हैं और मैंने भी वहाँ पे सर्व कर दिया है, खाओ खाओ, सर्व कर दिया है और मैं भी बैठ जाती हूँ। ना एक नींबू का पेड़ है जो कि अनुरुद ने सीड लगाया था, तो इतना बड़ा नींबू का पेड़ निकला है, लेकिन इसके जो लीफ है ना ये देखिए, लीफ को कोई खा रहा है, अभी कौन खा रहा है, चिड़िया आती है पिजन आते हैं, बट लीफ कौन खा रहा है, क्योंकि खाएंगे तो बाकी सब के भी खाएंगे ना, तो वो यहाँ पे आगे बैठ के ना ऐसे ही पेड़ को अच्छे से देख रहे हैं कि ये पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये कौन है जो लीफ खा रहा है। तो उन्होंने ना ऐसे इसके स्टेम को उधर को ऐसे को ना हिलाया, स्टेम जो है ना वो ग्रीन है, बट ये जो एक ब्राउन दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ब्राउन कलर का ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा, ये पता है आप गेस कर सकते हो कि क्या है, ये कीड़ा है, और ये इस टाइप का भी कीड़ा होता है। अनुरोध बोला मैं हाथ दे रहा हूँ तो वो हिल रहा है नीचे नीचे और। ना बाबा हमें तो देवो ना हाथ, ये देखिए कैसे सांप जैसा हिला, ये देखिए देखे कितना बड़ा अजीब टाइप का कीड़ा पूरा खा लिया था ये पूरा पत्ता, इसलिए वो पेड़ पे कुछ नहीं हो रहा है, देखिए ये देखिए कीड़ा पिल्लू जैसा है पूरा, बट हम लोग तो ग्रीन कलर का देखे हैं, ये पूरा ब्राउन कलर का है, और पेड़ में इस तरह से वो चिपका हुआ था जैसे कि वो उसी का पार्ट है। अनुरोध बोल रहे मैं हाथ दिया तो वो हिला, एक क्या एक दो यहीं से हाँ दस एक फैले दो छी छी, तो हमारा लंच बहुत पहले हो गया लगभग 2 बजे, थोड़ा स्वीट क्रेविंग भी हो रहा है, तो स्वीट तो कुछ घर पे है नहीं, तो मैं वही मंच का ना ऐसा मतलब चॉकलेट का ऐसा बंच ला के रखते हैं, चाहे वो छोटा सा फलेरो हो या बड़ा कुछ हो, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मंच हैं, तो ये स्वीट पे भी हो रहा है तो लग रहा है एक खाऊं, बहुत नींद आ रही, इसलिए मैं बेडरूम से आ गई, मैं बेडरूम पर ही थी। ये देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा है, ऐसा है ये ऐसा स्पेस शटल, तो ये 10 मार्क्स का एक है असाइनमेंट, ओनली 10 मार्क्स,
इसको तो मैं वही बोली अभी, इससे अच्छा 10 मार्क्स में क्या बनाएंगे। अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है विद इन 15-20 मिनट्स। और यहाँ पे हमारा ब्लैंकेट जा रहा है वॉश होने के लिए, ड्राई क्लीन होने के लिए। मुझे खुद से बोली मामा मुझे ना 2 हेयर टाई कर दो। और ये जो नया, ये जो है ना कितना सुंदर है इसका, ये वाला बीट्स लगा हुआ है, मैं भी पहन सकती हूं उसके ऊपर बीट्स। आपको नहीं स्कूटी का मैंने चपते ही पड़ी ना ढुलु ढुलु को। लॉन्ड्री पे देने के लिए गए हैं ब्लैंकेट लेके, और आज इतना ज़्यादा गर्मी है ना, अभी बज गए हैं 5:15। तो आपसे जब लास्ट बात हुआ था वो कीड़ा दिखाया, उसके बाद फिर मिष्टू भी सो गई थी, उठी फिर हम लोग निकल आए। आज मैंने चाय भी नहीं पिया लिटरली, अनुरोध बोला थोड़ा चाय पियो कि मैं बोली नहीं तुमको पीना है तो मैं बना के देती हूँ, लेकिन मुझे तो बिल्कुल चाय नहीं पीना है। पूरा ना हाथ में ऐसे पसीना पसीना हो रहा है। एक्चुअली जाएंगे थोड़ा मार्केट देखने के लिए कि कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, जब संडे है और उतना कुछ अभी और कहीं जाना नहीं है, तो चलो मैंने बोला गिफ्ट्स ही ले लेते हैं। हम लोग आए हैं बालकनी के लिए कुछ देखने के लिए। नीचे एमोनो করতে পারে দুটো তেই পুরো সেটা বেশ বড় ছড়ো কিন্তু পুরো একটা ভালো এটা আমার হতে পারে, এটা তোমার, এটা বাবাইয়া, হ্যাঁ উপরেও করতে পারো। ফরমা আমরা খাবো তোমার বাড়িতে খাও, তাই না? আমিও খাইনি কোনো। तो फर्नीचर के दुकान से आने के बाद हमने थोड़ा फिश लिया, क्योंकि सुबह आज अंदर फिश नहीं लिए थे, तो फिश लेके अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ फाइनली। बट असली चीज़ जो है गिफ्ट अभी तक नहीं लिया, बाकी सब घूम रहे काम कर रहे। संडे घर से बाहर निकले और मिष्टू कुछ ना खाए, तो मिष्टू ने ये लिया है ब्रेड पकौड़ा, मतलब यहाँ पे ब्रेड पैटिस बोलते हैं। और अनिरुद्ध खा रहे हैं कचौड़ी, और मैं भी खा रही हूँ कचौड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। और हम लोग एज यूजुअल हमारे फेवरेट शॉप से खा रहे हैं, और यहाँ पे आज भीड़ कम है, आज पानी पूरी के वहाँ पे बहुत भीड़ है। तो हम लोग अच्छे से घूम फिर के संडे इवनिंग एंजॉय करके घर अभी आ गए हैं वापस, और जो जो हमको नहीं लेना था वो हम लेके आए हैं, और जो जो लेना था गिफ्ट वो हमको, मतलब हमने बहुत सारा शॉप घूमा, मैंने कुछ उतना शूट नहीं किया एक्चुअली ना, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि क्या ले, तो उसलिए हॉचपॉच हो रहा है। तो अभी भी टाइम है, तो अनुज बोल रहे रुको अभी तुम 1-2 दिन में सोच लो, फाइनलाइज कर लो, फिर हम कभी भी जाके ले सकते हैं। हाँ अच्छा, तो तुमको क्या सोच रही है? तो फाइनली हमने जो चेयर्स है वो चूज कर लिया है, और उसका जो ऑर्डर है वो दे दिया है। तो हम किस तरह का चेयर लेके आ रहे हैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी अपने बालकनी के लिए। और जो चेयर अभी बालकनी में हम रखते हैं ऐसे ही बैठने के लिए, उसको भी थोड़े दिन में हम टाटा बाय बाय बोल देंगे। फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट में ना ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो वो पोर्टेबल हो, वो फिक्स्ड ना हो या बड़ा ना हो, क्योंकि हमारा जो जगह है वो लिमिटेड है और सामान जो है वो अनलिमिटेड है। हाँ। तो इसलिए सोच समझ के ऐसे ऐसे सामान लाना चाहिए जो कि वो इजी टू यूज भी हो, टिकाऊ भी हो, सबसे मेन बात है टिकाऊ भी हो। क्योंकि मेरा अनुरोध दोनों का ही ऐसा नेचर है, हम लोग आज एक खरीदे फिर पसंद नहीं आया फिर 2 महीने बाद सेल कर दिए, वैसा हमारा नेचर नहीं है। हम दोनों ही सामान लेते हैं, थोड़ा सोच समझ के लेते हैं, और जिसका लॉन्गजिविटी थोड़ा ज़्यादा है वैसा सामान लेते हैं। आज लिया कल बेच दिया, आज लिया कल, ये कपड़ा नहीं है कि आज खरीदा 2 दिन पहना धो लिया खराब हो गया, तो हमारा नेचर ऐसा ही है। तो हमने बहुत सारा शॉप घूमा फर्नीचर का, तो घूम के फाइनलाइज हम कर लिए हैं, हमने एडवांस दे दिया है, 2-3 दिन में चेयर हमें मिल जाएगा। तो यही अपडेट है आज का, वो मैंने दिखाया। ओके दिखा दो तुम्हारे हाथ से। हाय इंडिया, हुई ऐसे बनाया। तो चलिए आज इस वीडियो को भी एंड करते हैं, हमारा अभी है डिनर, अभी 9:30 बज गया है, अभी हम ड्रेस चेंज करके खाना खा के, माँ बाप बेटी तो दोपहर को 2 घंटा आराम से सोए, बट मैं नहीं सोई, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी, मतलब सब मिलके सो जाएंगे, और इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और वीडियो को एंड करने से पहले जो बातें हैं आप लोग को याद दिलानी पड़ती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है वीडियो। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय। Bye. Bye.